हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर विद लव। आगरा और मथुरा का फेमस बिढ़नी कचौड़ी और आलू की सब्जी बना के तैयार किया है। इस तरीके से बनाएंगे ना फ्रेंड्स, सबको बहुत पसंद आएगा। आइए बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये उड़द का दाल ले लिया, जो धुली वाली उड़द की दाल होती है ना। तो उड़द की दाल मुझे भिगाना नहीं है, इसको फुलाना नहीं है, धोना नहीं है, तो इसको साफ भी तो करना है, क्योंकि ऊपर दाल के ऊपर इसे पॉलिश लगी रहती है। तो इसको हमें एक साफ कपड़ा ले लेना है। कपड़ा ले लिया है, इस तरीके से ऐसे मैं रगड़ लूंगी ना, इसकी जो भी गंदगी होगी, जो भी पॉलिश होगा, पाउडर होगा, सारा निकल जाएगा। इस तरीके से रगड़ के उसके बाद मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। आप चाहिए तो इसको हल्का सा धो सकते हो, मतलब एक दो पानी धो के थोड़ा कढ़ाई में सुखा लीजिए, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको जैसे ये दाल उठा रही हूँ ना, तो मेरे हाथ में बिल्कुल भी कोई भी पाउडर नहीं लग रहा है, मतलब कि अच्छे तरीके से ये दाल हमारा क्लीन है। और इसको मिक्सी जार में डाल के मैं इसको दरदरा सा, मिक्सी रुक रुक के चलाऊंगी ना, तो ये दरदरा सा पाउडर मुझे मिल जाएगा। तो इसको फाइन पाउडर भी नहीं बनाना है, एकदम दरदरा सा, समझ लीजिए कि एक दाल में 3 से 4 पीस हो जाएगा। तो इसी तरीके का इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ। तो दाल को मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया है, और ये देख रहे हैं ना, एकदम मतलब पाउडर भी नहीं हुआ है और मोटे मोटे टुकड़े भी नहीं है, मतलब कि इसको दरदरा सा हमें पीस लेना है। देखिए, पास से दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें दाने दाने से दिख रहे हैं। तो बस इसी तरीके का ये दाल पिसा हुआ होना चाहिए। बेढ़मी के लिए मैं एक मसाला तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून धनिया लिया है, साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1/4 टीस्पून में ब्लैक पेपर पाउडर ले रही हूँ। आपके पास साबुत ब्लैक पेपर है तो आप वो भी डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। आप चाहिए तो साबुत मिर्ची भी डाल के मसालों के साथ आप पीस सकते हो। इस मसाले को मैं मिक्सी जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। दरदरा सा ये भी चाहिए, फाइन पाउडर नहीं चाहिए। ये मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। हरी वाली सौंफ डालनी तो सौंफ भी डाल सकते हो, मैं इसमें सौंफ नहीं डाल रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, अगर डालना है तो डाल सकते हैं। इसी पैन में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहिए तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। जो मैंने मसाले ग्राइंड कर लिए ना, इसमें से मैं 1 टेबल स्पून मसाला निकाल लेती हूँ। बाकी के बचे मसाले जो हैं, मैं इसी पैन में डाल के इसको सेक लेती हूँ। गैस को मैंने स्लो किया है, स्लो गैस पे मसाले भून लूँगी। 2 पिंच जितना मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, क्योंकि उड़द दाल है ना, किसी किसी को उड़द दाल नहीं सूट करता, तो उसके लिए हींग मस्ट होता है। थोड़ा सा अदरक मैंने ग्रेट कर लिया, इसको डाल दी। कलर के लिए मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून जितना कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरीके से डाल के इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने उड़द दाल पीस लिया है ना, इसको डाल देते हैं। दाल को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ, मसालों के साथ अच्छे से ही मिक्स हो जाएगा। 3 से 5 मिनट मसालों के साथ इसको मैं रोस्ट करूंगी दाल को, तो अच्छी से खुशबू आने लगेगी सोंधी सोंधी सी, तब तक इसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ कलर के, बस इन सबको साथ में डाल के मिक्स कर देते हैं। अच्छे तरीके से इसको हम रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा हल्की सी खुशबू आने लगेगी सोंधी सोंधी सी, तब तक इसको मैं रोस्ट करूंगी। इसी में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ, नमक डाल के भी मिक्स कर देती हूँ। और गैस को मैंने स्लो ही रखा है, स्लो गैस पे भूनेंगे ना तो अच्छा टेस्ट भी आएगा और जलने का भी कोई टेंशन नहीं होगा, तो इसलिए इसको स्लो गैस पे इन सारे प्रोसेस को करना है। और बहुत ही टेस्टी बढ़मी पूड़ी बनके तैयार होती है। बढ़मी पूड़ी बोलिए या कचौड़ी बोलिए, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। और देखिए, थोड़ा थोड़ा करके कितना सारा ये मसाला बन गया है। तो इस तरीके से बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो सबको तो बहुत ही पसंद आने वाला है, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे, इतना टेस्टी बनके ये तैयार होने वाला है। तो अभी हमारे ये दाल मसाला सब कुछ मिक्स होके अच्छे तरीके से भुन गया है, और इसमें बड़ी अच्छी सूंधी सूंधी सी खुशबू भी आ रही है, और देखिए कलर कितना प्यारा आया है। बाउल्स मैंने नाप लिया था, मेजरमेंट था मेरा 1/2 बाउल, मैंने दाल लिया था, तो 1/2 बाउल ही मैं इसमें पानी ली हूँ। ये पानी इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि दाल हमारा सोक्ड नहीं है ना, तो दाल को हमें पकाना भी तो पड़ेगा, तो इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जितना दाल था उतना ही पानी डाल के इसको हमें पका लेना है। दाल को मिक्सी जार में जब ग्राइंड कर लेते हैं तो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो ये फटाफट पक भी जाएगा और बहुत अच्छा शानदार मसाला बनके तैयार होगा। 1/2 टीस्पून में मैंगो पाउडर डाल रही हूँ, इससे भी हमारी बढ़मी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और थोड़ा खट्टा खट्टा सा रहेगा मसाला ना, तो बहुत ही अच्छा आएगा। तो आपकी चॉइस है, आप अगर
अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। और देखिए पानी फटाफट सूख गया ना, तो इसको हमें थोड़ा सा, और जब ये पैन हमारा छोड़ने लगेगा ना तब तक हमें ये चलाते हुए पका लेना है, तब तक दाल भी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो बस इसको चलाते हुए हमें ऐसे पका लेना है। आप चाहिए तो इसमें धनिया पत्ती डाल सकते हैं, लेकिन मैं धनिया पत्ती नहीं डालूंगी क्योंकि जो मैंने कसूरी मेथी डाला है ना उसी का टेस्ट आना जरूरी होता है। कि अभी ये मेरा पैन छोड़ने लगा है ना, दाल इकट्ठा हो गई एक तरफ और पैन छोड़ने लगा है, तो बस इसी स्टेज पे गैस बंद कर देती हूँ और ये दाल को मैं ठंडा होने देती हूँ। तो बेड़मी कचौड़ी का मैं आटा बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया, मैदा नहीं लिया, सिर्फ गेहूं का आटा लिया है। इसी में 1/2 कप सूजी डाल रही हूँ। सूजी भी मेरी बिल्कुल बारीक वाली है, जो हलवा वाली सूजी होती है ना, ये वही वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसको थोड़ा सा मिक्सी जार में डाल के चला लेंगे तो बारीक हो जाएगा, उसको मिलाइए। इसी में 1/2 टीस्पून अजवाइन ली हूँ, हाथों से क्रश करके इसको डाल देती हूँ। क्रश करके डालने से ना पूरा, मतलब इसका खुशबू जो है एकदम इन्हेंस हो जाता है और बहुत अच्छा होता है। तो मैं जब भी अजवाइन डालिए तो क्रश करके ही अजवाइन डालिए। थोड़ा सा कसूरी मेथी ली हूँ, इसको भी हाथों से क्रश करके इसको भी डाल देती हूँ। आटे में कलर आने के लिए मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहिए तो डालिए, नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छी बेड़मी पूड़ी बन के तैयार होगी, लेकिन हल्दी पाउडर डालने से थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। तो 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग आटे में नमक डाल देती हूँ। मैं 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहिए तो घी डालिए, बटर डालिए, सभी कुछ आटे को मैं साथ में मिक्स कर लेती हूँ। आटे में मैंने सभी कुछ मिक्स कर लिया है और इसमें तेल या बटर घी जो भी आप डालें ना, इसका निशानी यही है कि इस तरीके से ये मुट्ठी बना रहे हैं ना, तो ये ऐसे लड्डू जैसा बन जा रहा है। अगर इस तरीके से आपका मोयन डला है ना, तो आप जो भी पूड़ी पराठा कचौड़ी कुछ भी बना रहे हो ना, तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होगा। और देखिए आटे का कलर भी चेंज हो गया है। तो हल्का सा गर्म पानी लिया है मैंने, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सेम ही डो आटा तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा डालूंगी तो गीला नहीं होगा। आटा मैं तैयार कर लेती हूँ। ये आटा हमारा बनके तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसको 10 मिनट रेस्ट देना होगा क्योंकि इसमें जो सूजी मैंने डाला है ना, वो सूजी अभी फूलेगा। तो इसको ऐसे कवर करके छोड़ देती हूँ 10 मिनट, फिर मिलती हूँ। तो बेड़मी पूड़ी से खाने के लिए मैं आलू की सब्जी बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। पैन में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहिए तो सरसों का तेल डाल सकते हो, या 1/2 टीस्पून में जीरा डाल रही हूँ। जीरा को मैं चिटकने देती हूँ। 1 मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ। बड़ी वाली इलायची को मैंने इस तरीके से खोल लिया तो दाने अलग हो गए हैं, 1 में इसको डाल देती हूँ। मैंने थोड़े से अदरक, 2-3 हरी मिर्ची काट लिया, इसको डाल देती हूँ। गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है, एक बार इसको चला देती हूँ ताकि हमारा ये मसाला भी जलने ना पाए। मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे कलर बहुत प्यारा आएगा सब्जी का। जो मैंने साबुत मसाले पीस लिए थे ना, उसको निकाल लिया था 1 टेबल स्पून, उसको डाल देती हूँ। इन मसालों की वजह से जो आलू की सब्जी बनेगी ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये मसाले ज़रूर डालिए। मैंने 1 टेबल स्पून बेसन ले लिया। ये बेसन इसी में डाल के रोस्ट कर लेती हूँ। इसको भी रोस्ट कर लेती हूँ तो ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, और इससे जो सब्जी बनेगी ना, सब्जी गाढ़ी होगी, थोड़ी गाढ़ी होगी और देखने में भी टेस्टी लगेगी। जो हलवाई लोग बनाते हैं ना, इसी तरीके से थोड़ा सा बेसन डाल के रोस्ट कर लेते हैं, तो अगर आलू कम भी डला है ना तो भी गाढ़ी गाढ़ी सी सब्जी दिखती है। ये बेसन आपकी चॉइस, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हलवाई लोग इसी तरीके से बना के तैयार करते हैं। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी लिया है। आपकी चॉइस है, अगर आपको टमाटर डालना है तो आप टमाटर डाल सकते हैं। इसको भी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। टमाटर डाल के भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। 3-4 आलू उबाल के मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए हैं, ये आलू इसी में डाल देते हैं। आलू डाल के मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। आलू मैंने छोटे छोटे पीस में तोड़े हैं, क्योंकि सब्जी जो बनती है ना, इसको चाकू से काट के नहीं बनाते, इसको तोड़ के ही बनाते हैं, तो अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी भी होगा, तो इसलिए मैंने तोड़ के डाला है। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहिए तो 1/2 हाथ से तोड़ के डालिए, 1/2 काट दीजिए, जैसे मर्जी बनाइए। 1/2 टीस्पून में इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप चाहिए तो नींबू का जूस भी डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसको मैं डाल रही हूँ। अभी गरम मसाला डाल के भी मैं मिक्स कर देती हूँ। ये तेज पत्ता मैं निकाल देती हूँ क्योंकि ये मसालों में मिक्स होकर अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर आ गया है, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मसाले वगैरह डाल के मैंने मिक्स कर दिया है। और ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अभी इसमें मैं नॉर्मल पानी डाल रही हूँ, जितना ग्रेवी आपको करना है उतना आप कर सकते हो। पानी डाल के भी अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। नमक डाल के भी एक बार मिक्स कर देती हूँ।
फ्रेंड्स, ये मथुरा आगरा का बहुत ही फेमस बढ़मी कचौड़ी कह लीजिए, पूड़ी कह लीजिए, और साथ में ये आलू की सब्जी बन के तैयार होती है। और इसमें लहसुन और प्याज का कोई भी काम नहीं होता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इसको ऐसे कवर कर देती हूँ और उबाल आने देती हूँ। देखिए सब्जी हमारे उबाल आ गया है, मैं चेक कर लेती हूँ। सब्जी देख के मुंह में पानी आ जाए, ऐसी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो रही है। 2 से 3 मिनट मैं और पकने दूंगी। बाकी देखिए सब्जी हमारी गाढ़ी भी हो गई है और इसकी आलू तो पका हुआ है, ये उबला हुआ आलू है तो पकाने की ज़रूरत नहीं है, मसाले हमारे भुने हुए हैं, तो ये सब्जी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। थोड़े से मैंने करी पत्ते काट लिए हैं, इस तरीके से लंबे लंबे पीस में काट लिए, इसको थोड़ा सा डाल देते, इससे भी सब्जी का हमारा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपकी चॉइस है, डालना है तो डालिए, मैंने डाल दिया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करी पत्ता, हेल्दी भी होता है और खाने में टेस्टी भी होता है, इसलिए मैंने हल्का सा ऐसे काट के डाल दिया है। बस सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है, इसको मैं साइड कर देती हूँ। जी, दाल को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था ना, इसको मैं ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना लेती हूँ इस तरीके से। अगर ये लड्डू बना रहेगा तो भरते हुए अच्छे से बनेगा, तो इसी तरीके से गोल गोल सा लड्डू बना लेती हूँ। छोटे बड़े जैसे आपको पूड़ी बनानी है उस हिसाब से आप ये छोटे छोटे बड़े बड़े लड्डू बना सकते हो। ये देखिए इतने सारे मैंने लड्डू भी बना लिए हैं, बस ऐसे ही लड्डू बना बना के अपने पूड़ी में भरती जाऊँगी और बेलती जाऊँगी। आटा बना के जो रख दिया था, वो सूजी हमारी अच्छे तरीके से फूल चुकी है और आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अभी इसकी मैं बढ़मी कचौड़ी पूड़ी बना लेती हूँ। छोटी बड़ी जितनी भी बड़ी आपकी पूड़ी बनानी है, ये देखिए इस तरीके से गोल गोल पेड़े बना लेंगे तो बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने सूखा आटा डस्ट कर लिया है, बस इसको मैं ऐसे बेल लेती हूँ इस तरीके से। पेड़ा रख के इसको चारों तरफ से उठाते हुए, जैसे कचौड़ी या कोई भी स्टफ़ करके हम बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से इसको भी हम स्टफ़ कर देंगे। बस इसको हमें ऐसे बेल लेना है। मोटा पतला या बड़ा, अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़ा भी बना सकते हो, मैं मीडियम साइज़ का ही बना रही हूँ, तो इस तरीके से मैं बेल लेती हूँ। इसी तरीके से सारे मैं स्टफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बेल ली हूँ। अभी इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है, तेल को मैं गर्म होने देती हूँ। जैसे पूड़ी कचौड़ी हम फ्राई करते हैं ना, बस उसी तरीके का तेल गर्म होना चाहिए। एक छोटा सा पीस मैं डाल के चेक कर लेती हूँ। तो देखिए डालते ही बबल्स आ गए ना, बस तेल हमारा बिल्कुल गर्म है अच्छे तरीके से। तो एक एक करके जो मैंने पूड़ियाँ बेल ली है ना, इसको डाल देती हूँ। एक डाल देंगे थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्योंकि अगर सारी एक साथ डाल देंगे तो तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो डाउन नहीं करना है हमें। अभी फिर से मैं एक डाल देती हूँ। इसी तरीके से 3-4 जितनी भी आपकी कढ़ाई में आ जाती है उस हिसाब से आप सेक लीजिए। और ये छन्नी लेके हल्का सा तेल अगर ऐसे ऊपर डाल देंगे ना, तो दोनों तरफ से साथ साथ में पकता रहेगा। बस इसे हल्का सा तेल डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालने की ज़रूरत है। हल्का सा तेल हम ऊपर उछाल देंगे तो ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पकता रहेगा साथ में। इसको मैं ऐसे पलट देती हूँ और दोनों तरफ से हम इसको क्रिस्पी सेक लेंगे। और देखिए कितनी फूल रही है, अच्छे तरीके से फूल भी रही है। इसमें कचौड़ी और पूड़ी दोनों का टेस्ट आएगा। तो तेल एक बार जब गर्म हो जाए तो उसके बाद हम गैस को मीडियम टू स्लो पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे इसको पकने देंगे। और ये बहुत मोटी नहीं है कि ऊपर से पक जाएगा अंदर से नहीं पकेगा, दाल भी हमारी पकी हुई है तो इस तरीके से पकाएंगे ना, अच्छे से पक भी जाएगा और क्रिस्पी भी रहेगा। ये दोनों पूड़ियाँ हमारी क्रिस्पी हो गई, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक एक करके, इसी में ऐसे बार बार डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। अभी इसी पे मैं दूसरा बैच डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मथुरा और आगरा का फेमस बढ़मी पूड़ी और आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से बनाएंगे ना, सबको बहुत ही पसंद आएगा। सर्व करने का एक और तरीका है, जैसे मैंने ये प्लेट में ले लिया है और साथ में ये कचौरी ऐसे रख दीजिए। हलवाई लोग बस इसी तरीके से सर्व करते हैं और लोग मांग मांग के खाते हैं, बार बार इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे ना तो सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, एक पूड़ी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप खुद देखिए, डिसाइड करिए। ये देख रहे हैं, और एकदम अंदर तक दाल भरी दिख रही होगी आप लोगों को, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए, मज़ा आ जाएगा खा के। तो फ्रेंड्स, मैंने मथुरा और आगरे का फेमस बढ़मी पूड़ी और आलू की सब्जी बना के तैयार किया। इस तरीके से बनाएंगे ना तो सबको बहुत ही पसंद आएगा, एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।